हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनियुक्ति के लिए यहां पे विज्ञापन जारी किया गया है। और इस विज्ञापन में यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यम विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर रामचंद्रपुर डौरा एवं चल गली विद्यालय में रिक्त पदवार विषयवार प्रतिनियुक्ति के पदों पर पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शासकीय सेवक शिक्षक व अन्य कर्मचारी जो निम्न अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय में हिंदी माध्यम के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक है उनसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ थाना रोड चौपाटी के बगल में पिन कोड 497220 के पते पर दिनांक 10 मई 2023 शाम 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर एप्लीकेशन भेजने का पता यहाँ पे दे दिया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ थाना रोड चौपाटी के बगल में पिन कोड 497220 इस पते पर आपको 10 मई 2023 शाम 5 बजे तक अपना आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। आगे देखते हैं, प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन सीधे कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत निर्देश बलरामपुर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट www.balrampur.gov.in तथा जिला शिक्षा अधिकारी के वेबसाइट www.deobalrampur.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आगे देखते हैं पदों का विवरण। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर, तो चंद्रपुर के लिए है यहाँ पर व्याख्याता हिंदी अंग्रेजी जीव विज्ञान रसायन भौतिक भूगोल राजनीति वाणिज्य कृषि हिंदी संस्कृत यहाँ तक है वाणिज्य कृषि व्याख्याता तक यहाँ तक से सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता के लिए जिसमें हिंदी अंग्रेजी और जीव विज्ञान के लिए दो दो पोस्ट है, रसायन भौतिकी भूगोल राजनीति यहाँ तक इसके लिए एक पोस्ट है और वाणिज्य के लिए व्याख्याता और कृषि व्याख्याता के लिए दो और एक पोस्ट है। और आगे देखते हैं, शिक्षक हिंदी विषय के लिए एक पोस्ट है, शिक्षक संस्कृत के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट है, वृत्त के लिए एक पोस्ट है, चौकीदार के लिए एक पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर रामचंद्रपुर में यहाँ पर टोटल यहाँ पर 20 पोस्ट निकाले गए हैं और इसमें जो है वेतन जो है प्रतिनियुक्ति नियम के अधीन होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्कूल है यहाँ पर स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डौरा। यहाँ पर व्याख्याता जीव विज्ञान भौतिक गणित वाणिज्य के लिए एक एक पोस्ट है और कृषि के लिए दो पोस्ट है, शिक्षक हिंदी के लिए एक पोस्ट है, व्यायाम के लिए एक पोस्ट है और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट है, ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे कुल पदों की संख्या यहाँ पर डौरा विद्यालय के लिए 11 पोस्ट है और वेतन यहाँ पर प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन होगा। आगे देखते हैं, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल गली विद्यालय के लिए यहाँ पर प्राचार्य के लिए एक पोस्ट है, व्याख्याता हिंदी संस्कृत अंग्रेजी रसायन गणित यहाँ रसायन तक के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है और गणित के लिए दो पोस्ट है, भूगोल के लिए एक पोस्ट है, वाणिज्य के लिए एक पोस्ट है, कृषि के लिए दो पोस्ट है और शिक्षक हिंदी संस्कृत के लिए एक पोस्ट है, ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है, लेखपाल सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट है, वृत्त के लिए एक पोस्ट है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 17 पोस्ट है। आगे देखते हैं,
स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर। यहाँ व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट है और कृषि के लिए दो पोस्ट है, वृत्ति चौकीदार के लिए एक पोस्ट। इस प्रकार कुल यहाँ पर पांच पोस्ट है, वेतन प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन होगा। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 53 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। आगे देखते हैं प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें एवं चयन प्रक्रिया। प्राचार्य पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालयों में पदस्थ नियमित प्राचार्य अथवा व्याख्याता व्याख्याता LB की प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। सर्वप्रथम प्राथमिकता नियमित प्राचार्य को दी जाएगी। नियमित प्राचार्य का आवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में द्वितीय अवसर व्याख्याता एवं तृतीय अवसर व्याख्याता LB को प्रदान किया जाएगा। प्राचार्य पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित व्याख्याता व्याख्याता LB को न्यूनतम 15 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना अनिवार्य है और जिसके लिए आवेदक को आवेदन के साथ प्रथम नियुक्ति आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा। एक पद विद्यालय पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। आगे देखते हैं व्याख्याता पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु शैक्षणिक पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालयों में पदस्थ व्याख्याता व्याख्याता LB की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और आवेदक की प्रतिनियुक्ति केवल नियुक्ति विषय पर ही की जाएगी और साक्षात्कार एक पद विद्यालय से एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। आगे देखते हैं शिक्षक पद हेतु प्रतिनियुक्ति शैक्षणिक पदों के लिए राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक शिक्षक LB की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आवेदक की प्रतिनियुक्ति केवल नियुक्ति विषय पर ही की जाएगी और एक से अधिक यहाँ पर आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। और प्रयोगशाला सहायक ग्रंथपाल सहायक Grade 2 सहायक Grade 3 वृत्त चौकीदार पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु यहाँ पर नियम है। छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालयों संस्थाओं में पदस्थ कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। एक पद या विद्यालय पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विद्यार्थी का साक्षात्कार तथा सहायक Grade 2 सहायक Grade 3 के पदों पर पूर्णांक 15 अंकों का कौशल परीक्षण का आयोजन कर चयन किया जाएगा। आगे देखते हैं प्रतिनियुक्ति हेतु तो बलरामपुर रामानुजगंज जिले के आवेदक को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिले के आवेदक को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और आवेदन पत्र का प्रारूप और विस्तृत जानकारी बलरामपुर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट और जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिशियल वेबसाइट के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ थाना रोड चौपाटी के बगल में पिन कोड 4972200 के पते पर यहाँ पर आपको भेजना होगा। केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही अपना आवेदन आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रतिनियुक्ति हेतु तो आवेदन पत्र का प्रारूप। ये जो है लिफाफा का प्रारूप है, लिफाफा के ऊपर आपको इस तरह से लिखना होगा, पद का नाम विषय और प्रति यहाँ पे लिख देना है और अपना प्रेषक प्रेषक यहाँ पे अपना डिटेल डाल देना है। ये लिफाफे के ऊपर का हो गया और प्रतिनियुक्ति हेतु तो आवेदन सहमति पत्र इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पर प्रतिनियुक्ति है तो विद्यालय का प्राथमिकता क्रम, जैसे कि यहाँ पे चार विद्यालय के लिए मंगाया गया, तो पहले क्रम में आप कौन से विद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको पहले लिखना होगा। विद्यालय की जगह का गांव का नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये प्रारूप यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा चुकी है, वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप आपको इसी PDF में दे दिया गया है, वो भी आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर फिलअप कर सकते हैं। और आपको आवेदन यहाँ पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कर देना है। रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से यहाँ पर स्पीड पोस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर
एड्रेस बता दिया गया है, उसी एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है 10 मई 2023 शाम 5 बजे तक के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।